गाजियाबाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा के बाहर उन्नाव कांड के चलते धरना दिया, जिसकी गूंज गाजियाबाद में भी सुनाई दी। इस मौके पर गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। आपने देखा होगा लगभग 11 दिनों में लगभग 83-82 मुकदमे केवल रेप के दर्ज हो चुके हैं, और ये सरकार हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करने में नाकाम है। और ये सरकार झूठ बोल करके उत्तर प्रदेश की सरकार में आई थी, इसने वायदा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से कि महिलाओं को और बेटियों को सुरक्षा देगी, मगर जहां तक की सुरक्षा का सवाल है, आप पिछले रिकॉर्ड निकलवा करके देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं में कितनी वृद्धि आई है। और कल हमारी बेटी उन्नाव की बेटी ने दम तोड़ दिया। इसी के तहत हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ स्थित विधानसभा के सामने धरने पर बैठ गए और आरोपियों के लिए फांसी की मांग करते हैं हम लोग। और हम लोग भी यहां गाजियाबाद में धरने पर बैठे हैं और महामहिम राज्यपाल जी से मांग करते हैं कि तुरंत आरोपियों को फांसी दी जाए और तुरंत के तुरंत ये उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं बेटियों की सुरक्षा करने में नाकाम है, ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए।